नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल से बदल जाएगा आपके बैंक का नाम, जाने अब किस बैंक के बन जाएंगे कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले महीने से लाखों कस्टमरों के बैंक का नाम बदलने जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय यानी कि मर्जर का काम आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं इंडियन बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। वहीं इस दिन से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की सभी शाखाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में बदल जाएंगी। पीटीआई की खबरों के मुताबिक रिजर्व बैंक के को इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक के प्रमुख महाप्रबंधक योगेश दयाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। वहीं इलाहाबाद बैंक के खाता धारक, अकाउंट होल्डर और जमाकर्ता सभी 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक के कस्टमर के तौर पर माने जाएंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय बैंक की शनिवार को जारी एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया है कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा के तौर पर काम करेंगी। इसी प्रकार आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के ग्राहक, खाता धारक और जमाकर्ता सभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक के तौर पर माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से सभी के बैंक बदलने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपका किस बैंक में खाता है आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोरोना वायरस, हरियाणा में स्कूल खुलने पर ही ली जाएगी नए सत्र की फीस, सरकार ने जारी किया सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में कोई भी निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान किसी भी अभिभावक पर नए शैक्षणिक सत्र की फीस और शुल्क लेने का दबाव नहीं बनाएगा। हालात सामान्य होने के बाद ही अभिभावकों से फीस अन्य शुल्क लिए जा सकेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल हरियाणा में बहुत से निजी स्कूल लॉकडाउन के बावजूद अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं कि वे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान अपने बच्चों की फीस और अन्य शुल्क को बैंक के माध्यम से जमा करवाएं। इस तरह की गई शिकायतें हरियाणा शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही हैं, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर ये कहा है कि प्रदेश में कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों पर इस तरह का दबाव नहीं बनाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन घोषित किया है, इस स्थिति में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए जब स्थिति सामान्य हो जाए और स्कूल खुलने लग जाए तभी बच्चों की फीस व अन्य शुल्क लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने यह एडवाइजरी जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया। धीरे धीरे अन्य राज्य भी ऐसे ही एडवाइजरी जारी करेंगे। 31 मार्च को दूसरे जिलों में आवाजाही की छूट, चलेंगे रोडवेज बस और प्राइवेट वाहन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार लॉकडाउन में 31 मार्च को जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान रोडवेज की बसों के अलावा अन्य निजी दुपहिया और चौपहिया वाहन भी चल सकेंगे। ये व्यवस्था केवल राज्य के भीतर यातायात के लिए रहेगी। लॉकडाउन के शेष दिनों में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक के दौरान ही आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोगों को घरों से निकलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च से एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस चलाई जाएंगी। लॉकडाउन, गाजियाबाद से लखनऊ जा रही बसों में भीड़ देख पुलिस के उड़े होश, छत पर किराया 600 तो सीट पर किराया 1200 रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन के बाद से दूसरे शहरों और राज्यों में फंसे लोग किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहते हैं, इसके चलते वह अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। पाबंदी के बावजूद 1 मीटर की दूरी बनाए रखना तो दूर, सैकड़ों की संख्या में यात्री एक के ऊपर एक बैठकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार दोपहर कानपुर के नौबस्ता में पुलिस ने जब एक प्राइवेट बस को रोककर उसकी चेकिंग की तो उसके होश उड़ गए। इस स्लीपर बस में ठूस ठूस कर यात्री बिठाए गए थे, यहाँ तक कि बस की छत पर भी यात्री सवार थे। पुलिस ने बस को रोककर सभी यात्रियों की थर्मल टेस्टिंग करवाई। देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद कोई पैदल तो कोई साइकिल से सफर करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच ही अधिक किराए देकर कुछ लोग जो है बस में ठूस ठूस कर बैठाए भी जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे संक्रमण को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। समूह में चलने और बस आदि में सफर की पाबंदी के बाद भी हाईवे पर सफर करने वालों का नजारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बसों में एक एक सीट का किराया 1200 रुपए लिया जा रहा है, वहीं छत पर बैठाने के भी 600 रुपए से ज्यादा लिए जा रहे हैं, और वहीं पर बसों में जो है लोगों को ठूस ठूस कर बैठाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
कोरोना वायरस भारतीय महिला वैज्ञानिक ने 1200 रुपए में तैयार की टेस्टिंग किट बाजार में कल से उपलब्ध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के कारण अब तक 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं मृतकों की संख्या 1900 हो गई है। वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच एक भारतीय महिला वैज्ञानिक मीनल दखावे भोसले ने मात्र 1200 रुपए की एक टेस्टिंग किट तैयार की है, जो विदेश किट की तुलना में काफी सस्ती है। इसके जरिए संदिग्धों का बहुत ही जल्द पता लगाया जा सकता है। सोमवार को इसकी पहले खेप बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये किट मात्र 1200 रुपए में तैयार की गई है, यानी कि आपको मार्केट में मात्र 1200 रुपए में ये मिल जाएगी। कि एक किट में हो सकते हैं 100 टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुणे की माइलेव डिस्कवरी भारत की पहली ऐसी फर्म है जिसे टेस्टिंग किट तैयार करने और उसकी बिक्री करने की अनुमति मिली है। मीनल इसी लैब में रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमुख वायरोलॉजिस्ट है। माई लैब की प्रत्येक किट से 100 सैंपल की जांच हो सकती है। हमारी किट कोरोना वायरस संक्रमण की जांच 2.5 घंटे में कर लेती है, जबकि विदेश से आने वाली किट से जांच करने में 6-7 घंटे का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिला द्वारा बनाई गई ये किट काफी सस्ती है और इससे जो है काफी समय की भी बचत होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए आज का सवाल, जी हां दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में कितने दिनों का लॉकडाउन किया है। जी हां दोस्तों, भारत में कितने दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा मोदी ने की है। फटाफट से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लॉकडाउन के दौरान पैनिक पॉइंट की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के साथ ही एलपीजी की पैनिक पॉइंट की खबरों के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन संजीव सिंह का बड़ा बयान आया है। IOC चेयरमैन ने कहा है कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि एलपीजी का स्टॉक लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बना रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि IOC चेयरमैन संजीव सिंह ने PTI से बात करते हुए कहा है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल और LPG का इतना स्टॉक है कि पूरे अप्रैल प्रत्येक ग्राहक को आपूर्ति के बाद भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ग्राहकों को LPG की पैनिक बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हम खाली सिलेंडरों को 100% रिफिल कर रहे हैं। IOC चेयरमैन ने कहा है कि हमारी सभी LPG बटालियन प्लांट 130% क्षमता के साथ काम कर रही, सभी बल्क स्टोरेज पॉइंट, LPG डिस्ट्रीब्यूटर, पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से कार्य कर रहे हैं। देश में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। मन की बात कार्यक्रम, PM मोदी बोले लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, गरीबों से माफी मांगता हूँ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को हुई असुविधा और कठिनाई के लिए माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपकी दिक्कतों को समझता हूं, लेकिन भारत को इस वायरस से जीतने के लिए ये कदम उठाने जरूरी थे। प्रधानमंत्री ने कुछ डॉक्टरों से भी बात की और उनकी सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को रियल हीरो बताया। इसी के साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उन कोरोना संदिग्धों और पीड़ितों के साथ लोगों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि इनके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों, मोदी ने जो है सभी समाज से, सभी गरीबों से माफी मांगी कि अगर आपको कोई भी असुविधा हुई है तो आप मुझे माफ कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ यही उपाय था कि हम पूरे देश को लॉकडाउन कर दें, जो कि हमने किया, वरना इस महामारी से हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाता, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाता, इसीलिए हमने ये बड़ा फैसला लिया, आप हमारा इसमें समर्थन दें। वैसे दोस्तों, आप मोदी का समर्थन करते हैं नहीं करते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सलमान खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, दिहाड़ी मजदूरों के लिए करेंगे ये काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से देश में 21 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा समस्या दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से भी कई लोग पलायन कर रहे हैं। शनिवार को PM मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दान देने की अपील की। अक्षय कुमार ने PM मोदी की इस अपील के बाद 25 करोड़ रुपए का दान दिया। इधर लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये कह रहे हैं कि अभी तक सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेताओं की तरफ से किसी भी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया गया। सलमान खान इन दिनों अपने फार्म हाउस पर वक्त बिता रहे हैं। उनकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जिसके बाद लोगों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जरूरत के समय सलमान अपने फार्म हाउस पर मस्ती करने में व्यस्त हैं, लेकिन इधर किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी और उधर सलमान ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया। फिल्म इंडस्ट्री में हजारों दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। बॉलीवुड
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान इन सभी मजदूरों और उनके परिवार की दैनिक जरूरतों का खर्च उठाएंगे। उन्होंने एक एसोसिएशन से कहा है कि ऐसे समय में वो ऐसे व्यक्ति से पैसों और खाने के सामान को लेकर किसी भी तरह के हिसाब में न फंसे, इसका सारा भुगतान उनकी तरफ से किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने एसोसिएशन से यह भी कहा है कि वो उनके इस कदम की कोई भी जानकारी मीडिया को न दें, क्योंकि वे किसी भी पब्लिसिटी के लिए चैरिटी करने में यकीन नहीं रखते। सलमान का यह कदम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर दिहाड़ी मजदूर के लिए एक राहत की खबर लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं उनका और उनके परिवार का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे।